ने कहा अल्लाह ने कहा खूब ठीक है अल्लाह ने कहा है मगर हिजाब को इंटेलेक्चुअली, अकली तौर पर हमें कबूल करना चाहिए कि ये खातून के लिए जरूरी है यह ना कि सिर्फी ताबुद्धी जरूरी है अल्लाह ने कहा नहीं सवाब मिलेगा सवाब मिलेगा तभी तो इसको मुश्किल होती है खातून को जब यह कहीं किसी बड़े फॉरम में जाती है तो इसको समझ में नहीं आता क्यों क्योंकि हमने इसको यह नहीं बताया कि हिजाब अकली लॉजिकली इसके लिए जरूरी है उसताद वाणान कहते हैं मैं टोरंटो गया यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था मैंने हिजाब पे बात की तो उसने मुझे वाक़ बताया कि वो टीचर था कहा कि वो थीसिस था आ, डिग्री का जो मास्टर्स का थीसिस होता है एक प्र, रिसर्च प्रेजेंट होती है फिर उसके बाद उसको पॉइंट्स मिलते हैं कहते हैं वो दिया तो उस लड़की ने वो जब थीसिस पे आई तो जो उसने ड्रेसिंग की हुई थी वो आम दिनों से कम कपड़े पहने हुए थे तो कह रहा है मैंने उसके फाइव मार्क्स कम कर दिया उसने बोला ये क्यों किए कहा कि तुम्हारी ड्रेसिंग तो उसने बोला क्योंकि आप मुसलमान हैं आपको मेरे कपड़े अच्छे नहीं लगते इसलिए उसने उन्होंने सारे प्रोफेसरस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला कम्प्लें की कि इन्होंने मेरे जो है वो मार्क्स कम कर दिए बीग एज अ मुस्लिम प्रोफेसर तो उन्होंने उसको कॉल की उनका आपने ये क्यों किया ऐसा उन्होंने कहा क्योंकि आम दिनों में ये ड्रेसिंग दूसरी करती है इसने थीसिस वाले दिन ड्रेसिस ऐसे कर कर क्यों किया ताकि इसकी पर्सनैलिटी पर लोग अट्रैक्ट होकर इसके ऊपर क्रिटिक ना करें क्रिटिक ना करें खूब इसने अपने मफाद के लिए काम किया खूब ये इलमी जगह है ये बाजार नहीं है ये मॉल नहीं है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है यहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए था कहता मैंने इसलिए इसके मार्क्स कम कर दिए तो उस यूनिवर्सिटी ने रूल कर दिया कि जो भी यूनिवर्सिटी के थीसिस में आएगा प्रॉपर ड्रेसअप के अंदर आएगा यह इंटेलेक्चुअल है आपको जब इस्लाम कह रहा है कि हिजाब यानी खुदा जानता है खुदा की मखलूक है खुदा की क्रिएशन है खुदा जानता है एक खातून को एक लेडी को एक औरत को कैसे रखना है तभी कह रहा है कि ये नौ साल की हो जाए तो ये बालग हो गई है फिर महरम, ना महरम इसके लिए होना चाहिए नहीं मौलाना अभी बच्ची छोटी है अभी क्या है कजन है दोस्त है मगर अल्लाह नहीं जानता था आप ज्यादा जानते थे नहीं आप यह बोले हम ज्यादा जानते हैं अल्लाह को नहीं पता ना नाउजल्ला अल्लाह जानता है अल्लाह जब कानून दे रहा है तो इसमें हिकमत है इसमें आप ये देखें अल्लाह अकबर आप उन खीन को देखें कि हजरत सैदा जबकि रसूल खुदा के इंतकाल के बाद वहाँ गई और गुफ्तगु किया मगर बीबी ने अपने उस हदूद को हिजाब के ख़त्म नहीं किया वही खातून के जो नाबीना के अंदर आने से हिजाब करती है वही खातून जब खुतबा भी दे रही है तो हदूद इलाही मुक्र है यही है यानी कहीं कोई ऐसी चीज नहीं की है कि जहां पर कवानीन इस्लाम जो है वो टूटा कितनी मुश्किल है इस्लाम के अवाइल में मगर खदीजा ने चुप रहा शोब अभी तालिब के अंदर के जहां तीन साल का सेंक्शन लगा दिया गया तीन साल के लिए बंद कर दिया सेंक्शन है खाना पीना सब कुछ है वही खातून के जो सरवतमंद रिचेस्ट वूमे थी वो वहीं पर अपने रसूल के साथ भूखी है सब्र कर रही है और ये टाइम है आज अगर खुदा ना खास्ता फाइनेंशियली अगर हालात खराब हैं, तो कल अच्छे भी तो थे और अगर आज खराब हैं, कल अच्छे भी हो सकते हैं तो इंसान को अपने पार्टनर का साथ देना चाहिए ये जरूरी है हमारे यहां जरा से कुछ होता है हमारे यहां डाइवोर्स क्यों क्योंकि हमने प्लास्टिक लाइफ समझ लिया है जिंदगी को प्लास्टिक है वन टाइम यूज आजकल न्याजें भी पहले मिलती थी न्याजे प्लास्टिक या जो लोग बुजुर्ग बैठे हैं वो न्याजें खाते होंगे बर्तनों में स्टील के गिलास स्टील के अभी तो सब कुछ प्लास्टिक है एक दफा न्याज भी खाई बस हर चीज प्लास्टिक है रिश्ते भी प्लास्टिक हो गए हैं समझ में आया ओके नहीं आया छः महीने में खट दूसरा फिर खट तीसरा बट हु इज टीचिंग दिस ये सिखा कौन रहा है ये कौन समझा रहा है सिर्फ क्यों नहीं हम अपनी औलाद की तरबियत करते क्यों नहीं आज की माए कल की माओ की तरह ये कहती कि बेटा घर से निकली हो तो जनाजा वापस आएगा क्यों नहीं हम तरबियत सिखा रहे कहां गई इस्लाम की तरबियत कहां है आज वुमेन का रोल वुमन का रोल सिर्फ इसलिए कि वो बस लश्ट के लिए क्या खातून को बरदिगार ने इसलिए कल किया था खातून कमाल पर ले जाने का जरिया है इंसान को अगर इंसान को परवरदिगार कह रहा है हमने तुम दोनों को तस्कीन के लिए पैदा किया है सुकून के लिए पैदा किया तो आज खातून अपना किरदार अदा करे आज माओ को अपना किरदार अदा करना चाहिए पहले जमाने में प्रॉब्लम यह था पहले जमाने में ये मोबाइल वोबाइल नहीं होते थे ये फ्री कॉलें नहीं होती थी ये व्हाट्सएप कॉलें नहीं होती थी तो घर बचे रहते थे लोग घर से बाहर भी निकलते थे लड़ाई भी होती थी तो वापस आने तक मामला ठंडा हो चुका होता था अभी तो घर से हस्बैंड बाहर निकलता है तो यहाँ फौरन कॉलें शुरू हो जाती हैं और इतनी देर में दोस्तें बहनें खालाएं, रिश्तेदार इतना भर देती हैं कि जब तक वो बेचारा घर आता है वो अपने घर जा चुकी होती है तो ये प्रैक्टिक हो रहा है आजकल के टीवी ड्रामे किस चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल मैरिजेज मल्टीपल रिलेशन ना महरम रिलेशन क्या आप सुबह शाम क्या देख रहे हैं सुबह शाम क्या देख रहे हैं आप क्या देखते हैं आप नेटफ्लिक्स देखते हैं और क्या देख रहे हैं आप जो या इंडियन ड्रामे एक दो चैनल आपके आते हैं और क्या आता है क्या है वहां पे? कोई हदूद इलाही है नहीं है एक के चार रिलेशन फिल्में भी क्या है ट्राइंगल लव स्टोरी ये क्या है ये ये आपके जहनों में जो हल्के हल्के पेनाट्रेट हो रहा है ये असल में उस इस्लामिक लाइफ स्टाइल को तबाह करने के लिए आप समझ ही नहीं रहे आप देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं जब आप एक चीज देखते हैं तो असर करती है और खुद खुद कल्चर वहीं जाता है वाई वी आर नॉट बी एबल टू कंट्रोल अवर जनरेशन क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है क्योंकि असल में उसको डायरेक्ट कोई और कर रहा है और मैं और आप मसरूफ है किस पे कारोबार में बिजनेस में इसमें उसमें हमें अपने काम लगे हमें पता ही नहीं है औलाद कहां जा रही है क्या देखती है ये आईपैड पर क्या देखती है ये यूट्यूब पे क्या देखती है किसी को पता है हम चेक करते हैं नहीं हम क्यों नहीं चेक कर सकते क्योंकि हमने अपने मोबाइल पे पासवर्ड लगाए हुए हैं हम अपने मोबाइल किसी को नहीं खोलने देते तो वो क्यों खोलने देगा आप ओपन रखें अपने घर में अगर चोर नहीं है तो क्या टेंशन है इसमें लेकिन हम खुद डर रहता है कि हमारे मैसेजेस कोई ना पढ़ ले मुश्किल तो हमारी अपनी है असल में हम खुद गिरफ्तार हैं